हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो ये वीडियो होने वाली है रूम टूर की। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि एक NLU में आपको कैसा रूम मिलता है, उसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जेंट्स हो रहे हैं, यहाँ से हम रूम में एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डबल बेडरूम, लाइक आपको फर्स्ट ईयर में डबल रूम में मिलेगा। सिंगल रूम आपको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से मिल सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ये बुक शेल्फ देख रहे होंगे, इसमें हम अपनी बुक्स रख सकते हैं। अभी तो बुक्स हैं नहीं, बाद में रखेंगे। ये दोनों तरफ सिमिलर होता है। और ये स्टडी टेबल हो गई और ये आपकी चेयर हो गई। ये मेरे पास अभी स्टडी टेबल नहीं है, बाद में शायद मुझे मिले अभी, क्योंकि शॉर्टेज चल रही है अभी स्टडी टेबल की। ये आपके बेड हैं, जैसा कि आप पूरा देख सकते हैं। आप रूम के जो मैंने मेंटेन करके रखा है उस पर मत जाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ रूम को मेंटेन करने पे। जितना मुझसे हो पाया तो मैंने उतना अपने हिसाब से रूम को मेंटेन करा है, सामान लगाया अपना। ये आप देख सकते होंगे, ये हमारी बालकनी का है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रात हो रही है तो काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है, उससे आप ये बालकनी का व्यू देख सकते हैं। अभी तो काफ़ी शांति भी है। ये मैंने रस्सी बांध रखी है कपड़े सुखाने के लिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं हॉस्टल, ये फोर्थ और फिफ्थ ईयर का है, और PG और L जो PGT करते हैं वहाँ ये वो लोग इसमें रहते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं। मेरा रूम पार्टनर अभी आया नहीं है, तो उसको मैं आपको बाद में मिलवाऊंगा। ये आपका यहाँ पे आपने नोट्स वगैरह मतलब अटैच कर सकते हैं जो आप बनाते हैं। ये आपका प्लग हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना चार्जर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको रूम में एक अलमीरा भी मिलती है, रुकिए मैं तो आप उसको खोल के दिखाता हूँ। ये रही उसकी चाबी। काफ़ी स्पेशियस रहती है, मतलब आप इसमें काफ़ी सामान रख सकते हैं अपना। और इसके ऊपर आप अपना सूटकेस भी रख सकते हैं ऐसे, लेकिन मैंने अंदर ही रख लिया है क्योंकि स्पेस अभी काफ़ी अंदर है। मेरे पार्टनर ने ऊपर रखा हुआ है ऐसे। आपको यहाँ पे काफ़ी रोशनी मिलती है, ये दो बल्ब आपको मिलते हैं। ये दोनों की स्विच अलग रहती है, मतलब आप एट अ पॉइंट एक बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपको सोना है तो आप अपने तरफ का बंद कर दीजिए और काफ़ी रोशन मतलब रह जाती है, वो जैसा भी आप आपके रूम पार्टनर के साथ आपका है आप उस हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक फ़ैन है, इस फैन में ठीक ठाक हवा आती है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं आती, गर्मी से लगती है। अगर आप चाहें तो आप एक कूलर लगवा सकते हैं, लेकिन AC अलाउड नहीं है, लेकिन कूलर आप लगवा सकते हैं। आप सिंगल कूलर भी लगवा सकते हैं, अपने पार्टनर से डिस्कस करके आप दोनों साथ में परचेज भी कर सकते हैं। बस इतना ही था, अब एक बार और देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वैसे रूम में ज़्यादा समय बिताना नहीं होता है, 6-7 घंटे मैक्सिमम, मतलब आप सोने के लिए आते हैं और थोड़ा बहुत आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं क्लासेस के बाद, बाकी समय तो लाइब्रेरी और क्लास में बीतता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मतलब रूम कैसा लगा और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको रूम में क्या क्या और मिल सकता था। ब्लॉग में बस इतना ही, मतलब अगर आपको रूम का टूर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हों, कोई भी क्लाइंट रिलेटेड या कोई भी कॉलेज रिलेटेड, तो आप मुझे उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।